Hi everyone, I am Dr. Gunjan Goyal. Welcome to my channel, Dr. Gunjan's Class. So, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे यूनिट वन का क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से यूनिट वन का फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. आज हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. हम इस यूनिट के तीन चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं. ये हमारा चैप्टर नंबर फोर्थ है यूनिट नंबर वन का. तो एज यू ऑल नो यूनिट नंबर वन इज क्वाइट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कैरीज द मैक्सिमम मार्क्स, दैट इज 25 मार्क्स. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर फोर, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. सो आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 10 स्मॉल पार्ट्स एज इट इज अ लॉन्ग चैप्टर. ये बहुत लंबा चैप्टर है तो मैंने इसको 10 पार्ट्स में, छोटे छोटे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वी हैव We will going to cover a single topic in each and every part of this chapter. ठीक है, तो हम हर पार्ट में एक छोटे टॉपिक से लेकर उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो हम पार्ट वन की वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स, आज की वीडियो में कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं. आज हम करने वाले हैं कार्बन. हम लोग बात करें कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो पहले हम जानेंगे कि कार्बन है क्या, कार्बन है क्या, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो, उसकी अकरेंस कहाँ कहाँ पे है, उसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है. ठीक है, हम लोग बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे और हमने कोवलेंट बॉन्ड, इसमें एक नया बॉन्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे. हमने लास्ट चैप्टर में आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, आप सबको याद हो तो. इसमें हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और मैं उसको बताऊंगी कि कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से वेरी कैसे करता है. सो उनकी डिफरेंसेस क्या क्या है. ठीक है, देन हम लोग टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन क्या है, कार्बन क्या है. कार्बन हमारा एक एलिमेंट है. ठीक है, कार्बन हमारा एक एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में हम लोग बाद में करेंगे, बट हम ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसका जो सिंबल है, सिंबल है कार्बन का सी, कैपिटल सी या अपर के सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. और अगर आप इसकी पोजीशनिंग देखें पीरियोडिक टेबल में तो ये ग्रुप 14 का मेंबर है पीरियोडिक टेबल. ठीक है, जैसे हम पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट चैप्टर में पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको पोजीशनिंग दिखाई जाएगी कि ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है. ठीक है, और ये एक नॉन मेटल है. क्या है, नॉन मेटल. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेटल और नॉन मेटल हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था. सो कार्बन जो है हमारा नॉन मेटल है. ठीक है, नॉन मेटल है. और ये जो टेट्रावेलेंट टर्म आ रही है, टेट्रावेलेंट टर्म हम इसको आगे फर्दर स्लाइड में करने वाले हैं, सो डोंट वरी. तो ये नॉन मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है. इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक मास 12 है, अप्रोक्सीमेटली 12 इसका एटॉमिक मास. ठीक है, और ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. इस चैप्टर में हम लोग नए बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड ये फॉर्म करता है, ये एक नॉन मेटल है. इसका सिंबल क्या है, अब हम पूरा कार्बन नहीं लिखेंगे हर जगह पे. वी आर गोइंग टू राइट सिंबल सी, इट्स सिंबल दैट इज अपर केस सी, दैट विल रिप्रेजेंट कार्बन. और इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका एटॉमिक मास है 12. और इसके आइसोटॉप्स भी अवेलेबल हैं, जबकि C12 और C13 जो आइसोटॉप्स हैं वो स्टेबल आइसोटॉप्स हैं. और जो C14 आइसोटॉप है ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, जो हम आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स सी कि अब कार्बन की अकरेंस कहाँ कहाँ पे होती है. अभी अब तक हमने देखा कि कार्बन क्या होता है. कार्बन एक नॉन मेटल है जो 14th ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है. ये कार्बन जो है किससे सिंबलाइज किया गया, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या है. ठीक है, कौन से बॉन्ड फॉर्म करता है और इसकी आइसोटॉप्स के बारे में हमने देखा. ये कार्बन की मतलब डेफिनेशन एंड लाइक इंट्रोडक्शन होगी कार्बन की. ओके, अब हम देख लेते हैं कि कार्बन जो है हमारा उसकी अकरेंस कहाँ कहाँ पे. तो कार्बन की अकरेंस जो है ये वर्सेटाइल एलिमेंट. वर्सेटाइल एलिमेंट मतलब हर जगह प्रेजेंट होता है. ठीक है, हर जगह प्रेजेंट होता है जो कार्बन है हमारा. तो अगर आप बुक्स देखेंगे
कुछ खाना देखेंगे, क्लोथ्स देखेंगे, मेडिसिन देखेंगे, इट्स फॉर एवरीवेयर. एवरीवेयर हमें कार्बन देखने को मिल जाता है. ठीक है, तो जो कार्बन है, इवन हम लोग लाइक वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी आर मेड अप ऑफ कार्बन. हमारे अंदर भी कार्बन है. ठीक है, हम भी कार्बन से बने हुए हैं. सो एटमोसफियर में अगर आप देखेंगे, ठीक है, एटमोसफियर में देखेंगे, अर्थ की क्रस्ट में देखेंगे, तो कार्बन प्रेजेंट होता है. तो लेट्स टॉक अबाउट एटमोसफियर. एटमोसफियर में कार्बन जो है 0.03% कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एटमोसफियर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है. तो ये एक आपको वन मार्क्स में आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है. आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और दे आर प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और लाइक वॉट इज द अमाउंट विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सो यू हैव टू राइट डाउन कि ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, और अगर आप अर्थ क्रस्ट की बात करें तो 0.02% ही कार्बन प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, वो भी किस फॉर्म में, या तो कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, इन सब की फॉर्म. ठीक है, तो ये सारे के सारे कंबाइंड स्टेट्स हो गए जिनकी फॉर्म में कार्बन अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट. और अगर आप फ्री स्टेट में देखेंगे तो डायमंड और ग्रेफाइट और फ्यूलरिंस, ये कुछ इसकी एलोट्रॉप्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो इस फॉर्म्स में डायमंड और ग्रेफाइट तो आप सबने सुना होगा. ठीक है, मे बी यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस वर्ड फ्यूलरिंस. ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे. तो जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये फ्री फॉर्म्स होती है कार्बन की, एक अर्थ क्रस्ट से हमें मिलती है. तो आपको पता है कि इसका कितना ज्यादा यूज है ना. तो ये वुड, कोल, चारकोल, को पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्श गैस, इन सब में भी कार्बन प्रेजेंट होता है. तो आप देख सकते हैं कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम है. इट्स लाइक वेरी लेस अमाउंट, 0.2% इन द अर्थ क्रस्ट, 0.02% इन द अर्थ क्रस्ट, 0.03% इन द एटमॉस्फेयर. और फिर भी आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने डिपेंडेंट है कार्बन के ऊपर हमारी चीजों के लिए. ठीक है, बिकॉज इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ थिंग्स. ओके, देन लेट्स कम कि आप पिक्चर्स देख सकते हैं कैसे वुड दिखा रखा है, कोल दिखा रखा है, डायमंड दिखा रखा है, बायोगैस है, सीएनजी है, देन ये शिप दिखा रखा है. सो सब में कार्बन कहीं ना कहीं प्रेजेंट. सो देन वी आर गोइंग टू डू द बॉन्डिंग इन कार्बन. बॉन्डिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, और एलोट्रॉप्स के बारे में. तो अब हम इस वीडियो में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे. ये जो नेक्स्ट चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे. सो ध्यान से देखिए अब आप कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं. तो बेसिकली हम लोग बॉन्डिंग कार्बन की पढ़ने वाले हैं. अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो ये कार्बन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन दिखा रखी है. ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी देखी होगी, अपनी 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा जब आप कार्बन का एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं 6. ठीक है, तो किस तरह से प्रेजेंट होता है, के शेल में 2 और बाहर एल शेल में कितने होंगे 4, है ना. इसी तरह से ये के शेल में प्रेजेंट है, ये एल शेल में प्रेजेंट है. ये के शेल ड्रॉ किया हुआ है 2 और ये एल शेल ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाउ मेनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये तो उसको स्टेबलाइज बना रखा है. ठीक है, जबकि यहाँ बाहर 4 प्रेजेंट होते हैं. जब ये इसमें बता रखा है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो उस हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा. तो वो हम आगे देखते हैं. ओके, सो कोवलेंट बॉन्ड, अब हम बात कर रहे हैं हमारे कोवलेंट बॉन्ड. तो अभी हम बात कर रहे थे कि कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 एटॉमिक नंबर है. तो के शेल, ठीक है, एक हो गया हमारा के शेल, एक हो गया एल शेल. के शेल में 2, एल शेल में 4, है ना. इस तरह से एटॉमिक नंबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं. एटॉमिक नंबर है, इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है. तो अब ये बाहर 4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो बट हमें ऑक्टेट रूल को स्पेसिफाई करना होता है. ऑक्टेट रूल मतलब जो आपने पढ़ा होगा कि हमें नियर बाय जो इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको अचीव करना पड़ता है. तो जो 2 वाला था, है ना, वो तो हो गया अचीव के शेल में, तो क्योंकि हीलियम जो है पास में 2 पे होता है, तो
जबकि के शेल में 2 तक कंप्लीट हो जाता है. एल शेल में 8 चाहिए, 8 चाहिए तो हमें नियर बाई इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को कंप्लीट करना है तो हमें इसमें इसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये स्टेबल हो सके. ठीक है, इस एटम को स्टेबलाइज करने के लिए वी नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो ये गेन कर सकता है या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, जो कि हम आयनिक बॉन्ड में करते थे. याद कीजिए हम आयनिक बॉन्ड में क्या करते थे, कि हम लोग क्या करते थे कि जब हमें जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देख लेते थे तो जो लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर देख लेते थे. ठीक है, अगर नंबर सपोज यहाँ पे 6 होता तो हम 2 गेन कर लेते, अगर यहाँ पे नंबर 2 होता तो हम 2 लूज कर देते ताकि हमें इसको स्टेबल करना है. तो अब हमारे पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं. तो हमें इसको स्टेबलाइज करने के लिए एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मुझे बताइए एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8, इट शुड बी 8. टू स्टेबलाइज दिस एल शेल हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, हमारे पास तो 4 ही है. और 4 तो मिड वाली स्टेज आ गई ना, या तो आप 4 लूज कर दीजिए तो आपका ये खत्म हो जाएगा तो के शेल वाला रह जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे यहाँ पे तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा. जबकि या फिर आप 4 गेन कर लीजिए इलेक्ट्रॉन्स ताकि यहाँ पे 8 हो जाए. ठीक है, तो ये वाला शेल स्टेबलाइज हो जाए. बट व्हाट हैपेंस, आयनिक बॉन्ड में तो ये पॉसिबल था, बट कोवलेंट बॉन्ड व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन के केस में क्या होता है, इट्स बोथ केसेस बोथ सिनेरियोस आर नॉट एट ऑल पॉसिबल. एंड व्हाई इज इट सो, दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं है, ना ही हम गेन कर सकते हैं ना ही हम मतलब लूज कर सकते हैं, देन व्हाट कैन वी डू, क्या कर पाएंगे हम, हमें क्या कर सकते हैं, हम शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स. तो एज वी ऑल से शेयरिंग इज केयरिंग, यू ऑल हैव रेड इन योर जूनियर क्लासेस, आई एम सॉरी. सो दिस इज लाइक, आप एल शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट करने के लिए व्हाई यू कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स आप गेन क्यों नहीं कर सकते, वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन क्यों नहीं गेन कर सकते, बिकॉज अब इसके पास 2 यहाँ पे हैं 4 यहाँ पे. ठीक है, तो जब ये 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है इसके पास, है ना, 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो अब 6 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके पास. पर अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लेगा तो इसके पास प्रोटॉन्स तो 6 होंगे, 6 प्रोटॉन्स होंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10. तो न्यूक्लियस में डिफिकल्टी हो जाती है जब इस तरह से नंबर इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स हो जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स की, ताकि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके, है ना. और सेकेंड सिनेरियो, हम गेन नहीं कर सकते, चलो भूल जाते हैं, तब हम सेकेंड चीज पे आ जाते हैं कि हम लूज ही कर देते हैं, है ना, एल शेल से निकाल देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल देंगे तो हमारे पास के शेल बच जाएगा, के शेल में 2 है तो वो हमारी नियर बाय इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट कर रहे हीलियम वाली, तो हमारा स्टेबल हो जाएगा कार्बन का बॉन्ड. बट वी कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, हम लूज भी नहीं कर सकते. एंड व्हाई इज इट सो, व्हाई वी कैन नॉट लूज, बिकॉज बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए. ठीक है, तो अगर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे तो हमारे पास प्रोटॉन्स तो थे, है ना, 2 रह जाएंगे, 2 प्रोटॉन्स, वी आर लेफ्ट विद 2 प्रोटॉन्स, तो वो दैट विल नॉट बी पॉसिबल. ठीक है, उसको लूज करने के लिए हमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ना ही हम लूज कर सकते हैं, गेन करने के लिए उसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते. सो दीज बोथ केसेस आर नॉट पॉसिबल. ओके, तो अब हम ना गेन कर सकते ना लूज कर सकते, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या जाती है कि हम इसको शेयर करें. तो शेयर करेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ शेयर करेंगे, किसी और कार्बन एटम के साथ, बिकॉज ये कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है तो दूसरे कार्बन एटम को भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की ही रिक्वायरमेंट होगी, है ना. सो वी विल शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर कार्बन एटम्स या फिर कोई और एलिमेंट्स के एटम्स के साथ. तो सबसे पहले तो हम लोग कार्बन एटम के साथ शेयरिंग शो करेंगे. ठीक है, तो जो ये शेयरिंग होती है, जो ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की,
दो एटम्स के बीच में एक मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए उसको क्या बोला जाता है, कोवलेंट बॉन्ड. द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, बिटवीन टू एटम्स फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो आप देखिए ये हो गया हमारा एटम नंबर वन. ठीक है, ये हो गया हमारा एटम नंबर टू. तो यहाँ पे 2, 4, 6, ठीक है, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है. तो अगर ये कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये दोनों आपस में अगर शेयर कर लेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. ये सिंगल बॉन्ड क्यों होगा, जिस शेयरिंग करके इसको भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे, इसके वैलेंस शेल में भी इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे और ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा. तो जो ये शेयरिंग हुई मॉलिक्यूल की, इसको बोला जाता है कोवलेंट मॉलिक्यूल. व्हाट इट इज कॉल्ड एज कोवलेंट मॉलिक्यूल. और बॉन्ड जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड. सो कोवलेंट बॉन्ड आप देख सकते हैं जो शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को फॉर्म हो. आप हाइड्रोजन के केस में देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिया तो ये हाइड्रोजन कंपाउंड बन गया. ऑक्सीजन ने दो एटम्स में इकट्ठे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए तो ये क्या बन गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया. तो ये यहाँ पे आप सोचिए मत, हम लोग आगे इसको अच्छे से करने वाले हैं. जस्ट टू शो यू अ पिक्चराइजेशन की हाउ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड. दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दैट इज टर्म्ड एज कोवलेंट बॉन्ड. ओके, तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक बॉन्ड, है ना. अब हमें ये भी तो देखना है कि आयनिक बॉन्ड से डिफरेंट कैसे, बिकॉज आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि यार आयनिक बॉन्ड में भी तो हम लोग लूज और गेन करते थे, तो शेयर करने की क्या जरूरत है, है ना. बिकॉज शेयरिंग करने से ज्यादा पॉसिबिलिटीज ही हो रही है, क्योंकि लूज और जब हम गेन करते थे तो एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है जब हमने किसी चीज को लूज करना होता है, जो कि कोवलेंट कार्बन के केस में पॉसिबल नहीं था, है ना. तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे ब्रेन में जब आते हैं, तो वी हैव टू कंपेयर द स्टफ कि जो हमने पहले पढ़ा है और जो अब हम पढ़ रहे हैं, टू मेक इट मोर क्लियर. तो हम लोग जब आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, तो आयनिक बॉन्ड हमेशा याद रखिए, या तो दो मेटल्स के बीच में बनता है या एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है. आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड आइदर बिटवीन वन मेटल, टू मेटल्स और a metal and a non-metal, whereas a covalent bond is formed between two non-metals. Hamesha do non-metals ke beech mein hota hai. Ionic bond mein transfer hoti hai electrons ki, covalent bond mein shearing hoti hai, hai na. Iska jo melting or boiling point rehta hai, jo ionic compounds hote hain, unka melting point or boiling point zyada hota hai, whereas covalent ka melting point or boiling point kam hota hai. Ye solid hote hain room temperature pe, ye liquid ya gases hote hain, ye hard hote hain. ठीक है, ये रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स में वीक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. ये इलेक्ट्रिकली रिएक्टिव होते हैं, है ना, बिकॉज आपको पता है ना, आइदर वो हमने पूरा का पूरा पढ़ा था, रिएक्टिविटी के बारे में भी पढ़ा था. तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली रिएक्टिव होते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड्स में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते बॉन्ड. ठीक है, और ये सॉल्युबल होते हैं पानी में, व्हेयरएज कोवलेंट बॉन्ड्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर. ठीक है, तो आप आयनिक बॉन्ड देख सकते हैं, सोडियम और क्लोराइड में हमने पढ़ा था अच्छे से कि इसमें इसको एक ये लूज कर देता है, ये गेन कर लेता है, तो ये बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड. व्हेयरएज यहाँ पे हम लोग आके वाटर का बॉन्ड करने वाले हैं कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जो वाटर होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, उसको डिटेल में करने वाले हैं. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग बॉन्ड्स की, है ना, कोवलेंट बॉन्ड्स की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम. तो कोवलेंट बॉन्ड्स की जो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम लोग टाइप्स देखेंगे. ठीक है, पहले हम टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स के साथ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे. ठीक है, अभी हम वाटर की बात कर रहे थे. तो वाटर जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं दो एटम्स में. जैसे आप देखिए इस पिक्चर में, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है. ठीक है, ऑक्सीजन के पास दो तो के में प्रेजेंट है, के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना. उसके बाद एल शेल में कितने प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है ना. उसको दो की रिक्वायरमेंट है. अब उसको दो की रिक्वायरमेंट है
और हाइड्रोजन के केशल में कितने प्रेजेंट होते हैं, वन, है ना, तो उसको एक की रिक्वायरमेंट है। दो हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन, है ना, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के केस में कितने हैं, सेवन, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों के दोनों को आपस में ये क्या करना है, इनको बॉन्ड फॉर्म करना है, तो ये शेयर करेंगे। तो ये एक ये वाला है, ये एक इसके साथ शेयर करेगा, ये एक इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। दोनों को वन वन की रिक्वायरमेंट है, है ना। सॉरी सिक्स है ना, सॉरी सिक्स, आई एम रियली सॉरी, दो सिक्स है, वॉटर फॉर्म करना है ना हमें, यहाँ पे सिक्स है वॉटर, हाइड्रोजन के पास वन है, ऑक्सीजन के पास सिक्स है, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो ऑक्सीजन को दो की रिक्वायरमेंट है और हाइड्रोजन को वन की रिक्वायरमेंट है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब कितने हो गए, अब इसके पास सेवन हो गई ऑक्सीजन के पास, इसको एक और चाहिए, तो एक और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, वो अपना बॉन्ड शेयर कर लेगा, ये क्या बन जाएंगी, सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो जब सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो इस तरह से, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो वाटर के बीच में ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, जब सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बाय शेयरिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको बोला जाता है सिंगल कोवलेंट। जब ये ही पेयर, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो, तो वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर्म करें, तो आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जो है, ये अपना यहाँ पे भी सिक्स है, ठीक है, यहाँ पे फोर है, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो ये जब डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, इसको बोला जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके डबल बॉन्ड फॉर्म करे, उसको डबल कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। जब थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करें, तो उसको बोला जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप डरने की जरूरत नहीं है, हम इसको आगे स्लाइड्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। सो इवन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी कि ये एक्चुअल में सिक्स है यहाँ पे, और ये मैं आगे आपको लिखकर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरह से आपको शेयरिंग करनी है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हम करते चले जाएंगे। बट यहाँ पे आपको ये पढ़ना है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके, ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसको कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। वो तीन तरह के होते हैं, अगर वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कर रहे हैं दो पेयर्स की शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और होंगे किसमें, दो एटम्स के, एक मॉलिक्यूल के दो एटम्स में ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। देन हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो अभी ये बना रहे थे, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले। सो इसकी ये हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, हाइड्रोजन, मिथेन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वाली सारी की सारी चीजें हम लोग अच्छे से करेंगे। सो डोंट वरी, दिस चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है आपके बाकी चैप्टर से, इसमें रिएक्शन के अलावा अब नई चीजें आ गई हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। अभी इस स्लाइड में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दी, सो इसको एक बार गो थ्रू कीजिए, एनसीईआरटी की बुक को रीड कीजिए, एंड देन वॉच दी सेकेंड पार्ट। ओके, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू टुमारो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द फर्दर वीडियोज। बाय बाय।